हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज़ द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। सो स्टार्ट टुडे टॉपिक। बिफोर वी नो अबाउट द अर्लियर एम्पायर ऑफ द यूरोप रोमन एम्पायर, ही डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट अर्लियर एम्पायर, सेकेंड पार्ट इज लेट एम्पायर, एंड द डिवाइड बाई द थर्ड सेंचुरी। यानी कि हमने पहले पढ़ा है कि जो रोमन एम्पायर था उसकी जो दो फेसेस थे, यानी उसके उसको दो फेसेस में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट फेस जिसमें अर्लियर एम्पायर आता है, और सेकंड फेस जिसमें लेट एम्पायर के बारे में हमने देखा था। और इनको डिवाइड करने का काम जो थर्ड सेंचुरी थी उसने किया था। तो उसने किस तरीके से जो रोमन एम्पायर था उसको टू फेस में डिवाइड किया, उससे रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट टुडेज टॉपिक। इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी वर बी बाय एंड लार्ज ए पीरियड ऑफ पीस, प्रॉपर्टीज एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन, द थर्ड सेंचुरी ब्राउड द फर्स्ट मेजर साइन ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ। यानी कि अगर हम देखें तो जो पहली और जो दूसरी शताब्दी थी उसमें हमने देखा कि जो पीस, शांति, प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो समृद्धि थी, और इकोनॉमिक एक्सपेंशन यानी कि आर्थिक विस्तार जो हमें देखने को मिला था। बट जो थर्ड सेंचुरी थी यानी जो तीसरी शताब्दी थी, उससे जो आंतरिक तनाव है उसके संकेत हमें मिलने प्रारंभ हो गए थे। यानी कि जो थर्ड सेंचुरी में किस तरीके से जो रोमन एम्पायर था उसमें स्ट्रेच यानी कि जो आर्थिक जो आंतरिक तनाव है वो देखने को मिला। फ्रॉम द 230 द एम्पायर फाउंड इटसेल्फ फाइट ऑन सेवरल फ्रंट ऑफ सेमिलिटरी। यानी कि सन जो अगर अपन देखें 230 यानी कि जो 230 के जो दशक था उसमें जो रोमन एम्पायर था वो खुद अपने आप में ही एक दूसरे में आपस में जो तनाव में देखने को मिला, उसे कई मोर्चों पर आपस में ही संघर्ष करना पड़ा। इन ईरान ए न्यू एंड मोर एग्रेसिव डेनिसिटी इमरेज्ड इन 225। अगर हम देखें तो जो 225 ईस्वी में जो ईरान था, ईरान में एक नए वंश का उदय हुआ जो बहुत अधिक जो एग्रेसिव था, यानी कि बहुत अधिक आक्रामक वंश ये माना जाता था। दे कॉल्ड देमसेल्फ द ससानी, यानी कि जो साम्राज्य था उस साम्राज्य के लोग अपने आप को ससानी के नाम से जानते थे। एंड विद इन जस्ट 15 ईयर्स वर एक्सपेंडिंग रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ यूरोपीस। यानी कि लगभग 15 वर्षों के भीतर ही जो ये जो वंश था जो ईरान ने अपना साम्राज्य फरात की दिशा में फैलाने लगा। फरात जो हमने पढ़ा है पहले कि जो फरात एक नदी है जो मेसोपोटामिया में पाई जाती थी, और जो प्रेजेंट टाइम का जो ईरान है उसे मेसोपोटामिया के नाम जो पास्ट टाइम में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। तो जो ईरान का जो साम्राज्य था, जो नया जो वंश उभर कर आया था जिसे ससानी कहते थे, उन्होंने 15 वर्ष में जो अपना जो एम्पायर था उसका फरात की दिशा यानी कि जो फरात नदी थी उस दिशा में उसको फैलाना प्रारंभ कर दिया था। इन ए फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन कट इन 3 लैंग्वेज, यानी कि जो 3 भाषाओं में जो एक इंस्क्रिप्शन यानी कि शिला लेख है जो मिला है उसमें लिखा गया है कि शाहपुर फर्स्ट यानी कि जो शाहपुर जो प्रथम थे, जो इराक के जो में उस समय के जो लीडर्स थे, द इरानियन रूलर्स यानी कि जो ईरान के जो शासक थे शाहपुर फर्स्ट, क्लेम्ड ही हैड इनहेबिटेड ए रोमन आर्मी ऑफ 60,000 एंड इवन कैप्चर द ईस्टर्न कैपिटल एंटियोक। यानी कि जो शाहपुर फर्स्ट थे जो ईरान के रूलर्स थे उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने लगभग
60,000 रोमन आर्मीज़ के जो सोल्जर्स थे, यानी कि लगभग 60,000 रोमन आर्मी को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और साथ ही साथ जो रोमन जो एम्पायर था, उसकी जो ईस्टर्न कैपिटल यानी कि जो पूर्व की जो राजधानी थी एंटियोक पर अपना जो कैप्चर यानी कि कब्ज़ा कर लिया था। यानी कि जो ईरान के जो रूलर्स थे शाहपुर फर्स्ट, उसने ये जो दावा किया था, क्लेम किया था कि उन्होंने 60,000 रोमन आर्मीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया और जो रोमन एम्पायर था उसकी जो ईस्टर्न कैपिटल थी एंटियोक उस पर अपना कब्जा कर लिया। मीनवाइल ए होल सीरीज ऑफ गार्मेनिक ट्रिबाइज और रेदर ट्रिबल कॉन्फ्रेंसेस, इसके अंदर हमने देखा जो इस बीच कई जर्मन मूल की जो जनजातियां थी और जो राज्य समुदाय थे उन्होंने बिगन टू मूव अगेंस्ट द राइन एंड डेम्बुल फ्रंटियर्स एंड द वॉल पीरियड ऑफ 233 to 280 सा रिपेंडेड इन्वेंशन ऑफ ए वूल लाइन ऑफ प्रोविंसली ऑफ स्ट्रेच इन द बैंक ब्लैक सी टू द एल्प्स एंड साउथर्न जर्मनी। यानी कि जो ये जो कई जर्मन मूल की जो जनजातियां थी और जो समुदाय थे उन्होंने राइन और ड्यूमल नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और 233 to 280 यानी कि 233 से 280 ईस्वी तक जो पूरी जो अवधि थी उसने पूरी उन प्रांतों पर पूरी सीमा पर बार बार जो आक्रमण हुआ और जो काला सागर से लेकर अल्पाइस एंड जो साउथर्न जर्मनी था वहाँ तक फैले हुए थे। यानी कि जो ब्लैक सी और जो अपना अल्पाइस जो क्षेत्र था वहाँ और जो साउथर्न जर्मनी थी वहाँ तक इन्होंने अपना साम्राज्य फैला लिया था। द रोमन्स वर फोर्स द एन्यूब्ड डेब्ड्यूड मच बी द टेरिटरीज बियॉन्ड द डेन्यूब वाइल द एम्पायर द दिस पीरियड वर कॉन्सेंटली इन द फील्ड अगेंस्ट विल द रोमन कॉल्ड बारबेरीज। यानी कि जबकि इस काल में जो सम्राट थे उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे जिन्हें रोमनवासी विदेशी बर्बर मतलब जो जंगली होते थे, जो विदेश से आए हुए जंगली थे, बारबेरियंस कहते थे। द रैपिड सक्सेशन ऑफ एम्पायर इन द थर्ड सेंचुरी 25 एम्पायर इन 47 ईयर्स, अगर अपन देखें जो तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर से अनेक सम्राट लगभग 47 ईयर्स में 25 जो एम्पायर थे वो सत्तासीन हुए, मतलब उन्होंने वहाँ पर राज किया। इन्हें ऑब्जर्व सेम्पोनियन ऑफ स्ट्रेस फोर्स इन द एम्पायर इन द पीरियड, सत्तासीन हुए और इस तथ्य का स्पष्ट सूचक इस अवधि में जो साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा, जो रोमन एम्पायर था उसमें 47 ईयर्स में टोटल 25 एम्पायर्स यानी कि जो शासक इसके अंदर हुए, जिससे ये पता चलता है कि जो थर्ड सेंचुरी थी उसके अंदर किस तरीके से जो क्राइसिस हमें देखने को मिले। साथ ही साथ जो ईरानी एम्पायर था वो भी बहुत पावरफुल था, इसलिए जो रोमन एम्पायर था इस समय जो एक बहुत बड़े जो खतरा था उससे गुजर रहा था, बहुत बड़े संकट से इस समय वो गुजर रहा था।